पुतिन के परमाणु प्लान पर सबसे पुख्ता खबर अब आपको देते हैं। पुतिन के पास फिर देखा गया न्यूक्लियर फुटबॉल। लुकाशेंको से मीटिंग के वक्त पुतिन के साथ वो न्यूक्लियर फुटबॉल भी दिखा। पुतिन हर वक्त अपने पास ये न्यूक्लियर फुटबॉल रखते हैं। ये जो आप ब्रीफकेस देख रहे हैं, दरअसल इसी को कहा जाता है न्यूक्लियर फुटबॉल। और यहां जब लुकाशेंको से मुलाकात कर रहे थे पुतिन, तो उस वक्त भी एक उनके साथ चल रहा सुरक्षा अधिकारी उस ब्रीफकेस को साथ लेकर चलता हुआ दिखाई दे रहा था। ये वो न्यूक्लियर फुटबॉल है जिसे किसी भी आपात स्थिति में परमाणु हमला करने की सूरत में पुतिन यहीं से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बताता है कि पुतिन किस तरह से परमाणु हमले की किसी भी संभावना को दरकिनार नहीं कर रहे, चाहे वो किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में ही क्यों ना बिजी हो। लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति जब पुतिन से मिलने आए तब भी उनके साथ ये न्यूक्लियर फुटबॉल दिखा था। और इससे पहले एक कार्यक्रम में जब पुतिन पहुंचे थे तब अपने दोस्त को श्रद्धांजलि देने, तब भी उनके साथ जो मौजूद सुरक्षा अधिकारी था उसके हाथ में न्यूक्लियर ब्रीफकेस या न्यूक्लियर फुटबॉल दिखा था। तो आइए आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब पुतिन एक श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए थे, तब भी न्यूक्लियर फुटबॉल उनके साथ था। और दूसरी तस्वीर स्पेस पोर्ट की है जहां पुतिन की मुलाकात बेलारूस के लुकाशेंको से हुई, तब भी पुतिन के साथ ये न्यूक्लियर फुटबॉल था। ये दो तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि कैसे पुतिन हर संभावित परमाणु हमले का पूरा प्लान बनाकर चल रहे हैं। चलिए तो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या होता है न्यूक्लियर फुटबॉल। सबसे पहले ये भी आप देखिए और समझिए, क्योंकि ये लगातार कई दिनों से न्यूज में हेडलाइंस पूरे विश्व में बनी हुई है, क्योंकि पुतिन ने ऑलरेडी न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी है। न्यूक्लियर फुटबॉल ब्लैक लेदर का ब्रीफकेस होता है, साथ ही ब्रीफकेस के अंदर दुनिया में तबाही मचाने वाले सभी बटन होते हैं। ब्रीफकेस के अंदर लैमिनेटेड कार्ड, जिसे बिस्किट भी कहा जाता है, वो होता है, और बिस्किट पर कुछ नंबर सीक्रेट कोड लिखे होते हैं और इसीलिए उसे अलग रखा जाता है। और सीक्रेट कोड बताने पर फौज परमाणु अटैक करती है। साथ ही आपको बता दें कि ब्रीफकेस के अंदर इमरजेंसी कम्युनिकेशन टूल्स भी होते हैं। और इसी फुटबॉल में, न्यूक्लियर फुटबॉल में, दुश्मन देशों की एक ब्लैक बुक भी होती है, न्यूक्लियर ठिकानों और न्यूक्लियर बंकर्स की पूरी अपडेटेड डिटेल्स होती है। तो ये है न्यूक्लियर फुटबॉल जो कि पुतिन के साथ में लगातार कई दिनों से चल रहा है। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।